वेलकम टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल फॉर बेटर केमिस्ट्री नॉलेज विद कॉन्सेप्चुअल अप्रोच एंड ट्रिकी मेथड। डियर फ्रेंड, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन से डील करेंगे, क्योंकि जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस आया है आरबीएससी 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सेशन 2023-24 के लिए सॉलिड स्टेट, उसको डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि अब की बार आरबीएससी ने रिवाइज्ड सिलेबस है उसको रिलीज कर दिया गया है। और अगर आपको वो रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में जानना है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो 12th बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के डिलीट हुई है, तो कम्युनिटी बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अब जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा सेशन 2023-24 एग्जाम के लिए, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन से डील करेंगे और साथ में कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उनसे डील करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन सॉल्यूशन। तो यहां पर जो ये आपके पास वीडियो सेशन है चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, तो सबसे पहले अपन ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में सॉल्यूशन को किस टाइप से डिफाइन करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको जो कुछ टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन, एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट। तो ये फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट। यहां पर जो भी सॉल्यूशन होगा एक्चुअल में वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा और साथ में उसमें कॉम्पोनेंट का नंबर कितना होगा, टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट, टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट। ये तो आपने डिफाइन कर दिया सॉल्यूशन को, किसको डिफाइन किया अभी तक आपने, सॉल्यूशन है उसको डिफाइन कर दिया कि सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और कैसा होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, एटलीस्ट टू कंपोनेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और मोर देन टू भी क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। अब सेकंड थिंग आती है आपके पास कि जो आपके पास 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री में जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसमें आप कौन से सॉल्यूशन की मेनली स्टडी करते हो। तो यहां पर दोस्तों जो आपके लिए जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। कौन से सॉल्यूशन के बारे में अपने यहां पर डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो सॉल्यूशन है आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, टू कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, टू कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है तो उस वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन बाइनरी सॉल्यूशन। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपके पास उसमें अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है ट्राइनरी सॉल्यूशन, और कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो आपकी जो 12th बोर्ड क्लास के अंदर जो सॉल्यूशन में आप मेनली कौन से सॉल्यूशन की स्टडी करते हो, वो सॉल्यूशन आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन। दैट मीन सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि ये जो आपके पास 2 कंपोनेंट है एक्चुअल में ये कंपोनेंट कौन कौन से है और उनको किस टाइप से डिफाइन करोगे। तो यहां पर मैं वापिस से मेंशन करता हूं, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है, बात कर रही है अपन यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, उसमें से जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है वो डियर फ्रेंड्स होता है सॉल्यूट और जो सेकंड वाला कंपोनेंट आपके पास वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट में फर्स्ट वाला हो जाएगा सॉल्यूट और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ये 2 कंपोनेंट है वो कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब सेकंड थिंग आती है कि आप किस टाइप से डिफाइन करोगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को। तो जो भी सॉल्यूशन के अंदर ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, किसमें होगा, स्मॉल अमाउंट में कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो वो तो हो जाएगा आपका सॉल्यूट। और सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इसका अमाउंट क्या होगा, लार्ज होगा। तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो तो होता है सॉल्वेंट, और जो लेसर अमाउंट वाला कौन सा होता है, सॉल्यूट होता है। अब इसी को अपन प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर सीन करेंगे।
इस वीडियो सेशन के जो ये नोट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले डील करते हैं डियर फ्रेंड सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन को डिफाइन करके रखा है। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट। सॉल्यूशन एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर होता है और उसमें कितने कॉम्पोनेंट प्रेजेंट हो गए, मिनिमम टू एंड मोर देन टू भी पॉसिबल है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आई है और टर्मिनोलॉजी कौन सी है, होमोजीनियस। मीनिंग होमोजीनियस का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, तो डियर फ्रेंड्स होमोजीनियस का मीनिंग एक्चुअल में ये होता है कि इनका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल यहां पर अपने एक एग्जाम्पल मेंशन करते हैं, शुगर लिया आपने 2 ग्राम और उसको एक ग्लास में आपने वाटर फिल किया है 50 ml और उसके अंदर इसको डिजोल्व कर दिया, तो यहां पर शुगर का जो अमाउंट है वो लेस है, तो शुगर तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट। और जो आपके पास वाटर है इसका अमाउंट क्या है, लार्ज है, तो वाटर आपके लिए किसका वर्क करेगा, सॉल्वेंट का। और जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्यूशन का। तो अब आपने क्या किया, जो शुगर थी उसको आपने ग्लास में मिक्स कर दिया जिसमें आपने सॉल्वेंट किसको फिल करके रखा है, वॉटर को, और उसको शेक कर दिया। तो आप देखते हो कि यहां पर जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, दैट मीन्स शुगर एंड वॉटर है, जब ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी शुगर इसमें, तो इसका जो कॉम्पोजिशन है उस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। मीनिंग आप सॉल्यूशन के किसी भी पोर्शन में ऐसे नहीं बता सकते कि ये वाला पोर्शन है ये तो सॉल्वेंट का और ये वाला पोर्शन किसका है, शुगर का है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, किसमें, सॉल्यूशन में। तो यहां पर यही इसका मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस, हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मीनिंग जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसके अंदर जो उसका कॉम्पोजिशन है, सॉल्यूशन के जो एवरी पोर्शन का कॉम्पोजिशन है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाली टर्म की ओर मूव कीजिए, कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। और अभी आपको मैंने डिटेल के अंदर बताया कि सॉल्यूशन के कितने कॉम्पोनेंट होते हैं। मेनली जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर जो सॉल्यूशन आता है वो कौन सा सॉल्यूशन आएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, पहला वाला कंपोनेंट सॉल्यूट और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट कॉम्पोनेंट यहां पर मेंशन किया है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द सॉल्यूशन। मीनिंग ऐसा कॉम्पोनेंट जो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट कौन सा है, सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट है डियर फ्रेंड सॉल्यूट। कॉन्स्टिट्यूएंट अदरवाइज कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट इन सॉल्यूशन। मीनिंग ऐसा कॉम्पोनेंट जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्यूट, और ऐसा कॉम्पोनेंट जो सॉल्यूशन में लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के मेनली कितने कॉम्पोनेंट है, 2 कॉम्पोनेंट है, फर्स्ट हो गया सॉल्वेंट एंड सेकेंड हो गया सॉल्यूट। नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर मूव कीजिए, यहां पर एक नोट मेंशन कर रखा है, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नोट है ये। इस वाले नोट में क्या मेंशन कर रखा है, जनरली सॉल्यूशन में जिस भी कंपोनेंट का अमाउंट लार्ज होता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है, और जिसका जिस भी कंपोनेंट का अमाउंट स्मॉल होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। लेकिन जब भी बात आती है वाटर की, तो अगर वाटर में आपने किसी भी सॉल्यूट को डिजोल्व किया है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक कंपोनेंट तो वाटर है एंड सेकेंड वाला कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो आप ऑलवेज सॉल्वेंट किसको प्रीफर करोगे, वाटर को प्रीफर किया जाएगा, चाहे से वाटर का जो अमाउंट है वो सॉल्यूशन में क्या हो, लेसरी क्यों ना हो। तो इसके लिए एक नोट मेंशन कर रखा है, काफी इंपॉर्टेंट नोट है ये। इफ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए सोल्यूशन इज वॉटर, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज ए सोलवेंट इवन वेन इट इज प्रेजेंट इन ए वेरी लेस अमाउंट। अगर आपके पास ऐसा सोल्यूशन प्रेजेंट है जिसमें वन कॉम्पोनेंट कौन प्रेजेंट है, वॉटर प्रेजेंट है, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, वॉटर इज ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज ए सोलवेंट।
चाहे इसे वाटर का अमाउंट है अदर कंपोनेंट के कंपैरिजन में लेस अमाउंट ही क्यों नहीं हो, वाटर को आप ऑलवेज क्या कंसीडर करोगे, एज ए सॉल्वेंट कंसीडर किया जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग नोट था ये वाला। इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज वाटर, इट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज ए सॉल्वेंट इवन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द वेरी लेस अमाउंट। नेक्स्ट वाली स्लाइड की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड। नेक्स्ट वाली स्लाइड में है, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को आप फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको एक अंडरस्टैंड करवाया था, वाटर के अंदर आपने शुगर को डिजोल्व कर दिया, जब शुगर है वो कंप्लीटली डिजोल्व हो गई, उसमें सोल्यूबल हो गई, तो फिर आप उसको फिल्टर करोगे जब भी। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप उसको फिल्टर करोगे तो सोल्यूट है वो अलग से सेपरेट हो जाएगा और सोलवेंट वो अलग से सेपरेट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी सोल्यूशन के जो कॉम्पोनेंट है आप उसको फिल्ट्रेशन मैथड के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो यही वाली लाइन को एक बार वापिस रिपीट करता हूं मैं, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन जो मैथड होता है इस मैथड के थ्रू सोल्यूशन के कॉम्पोनेंट दैट मीन सोल्यूट एंड सोलवेंट को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाली जो अपने पास हेडिंग है डियर फ्रेंड्स, ये हेडिंग है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मीनिंग इस वाले चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो टाइप की जो प्रॉब्लम है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो यहाँ पर अब अपन डील करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। तो यहाँ पर जो आज के इस वीडियो सेशन में अपन थ्री कॉन्सेंट्रेशन टर्म से मेनली डील करेंगे। फर्स्ट वाली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी आपके लिए वो होगी मास परसेंटेज, सेकेंड वाली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी वो होगी आपके लिए वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, और थर्ड वाली डियर फ्रेंड्स आपके लिए हो जाएगी मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो आइए सबसे पहली जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिससे डील करना है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है, मास परसेंटेज। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मीनिंग क्या है, मास परसेंटेज। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, एक्चुअली में किस टाइप से डिफाइन करोगे आप मास परसेंटेज को। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिजोल्ड पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहां पर इंटरेस्टिंग थिंग क्या है डियर फ्रेंड्स कि जो आपको सोल्यूट है उसको क्या करना है, डिजोल्व करना है, और डिजोल्व किसमें करना है आपको, सोल्यूशन के कितने पार्ट में, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो यहां पर फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा, फॉर्मूले इसकी काफी ईजी है, किस टाइप से फॉर्मूले आपको मेंशन करने हैं। तो यहां पर मैं इसका फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं कि मास परसेंटेज का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। सबसे फर्स्ट थिंग, मास परसेंटेज को किसके थ्रू रिप्रेजेंटेड किया जाता है, मास परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास परसेंटेज बोल दीजिए, अदरवाइज परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अब यहां पर मास मीनिंग आ गया, मीनिंग आपको वेट को यहां पर क्या करना है, इंक्लूड करना है, और एक्चुअल में ये जितने भी टर्म्स है उसके अंदर यही होगा, सोल्यूट है उसको आपको क्या करना है, 100 सोल्यूशन में डिजोल्व करना है। मास है तो सोल्यूशन का भी क्या लेना पड़ेगा, मास। अगर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं तो सोल्यूशन का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पर इंटरेस्टिंग थिंग और क्या है कि जो भी मास है, जितने भी ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसमें जो मास अदरवाइज जो वेट है इसको आपको मेजरमेंट करना है डियर फ्रेंड्स ग्राम के अंदर। और जब भी बात करेंगे अपन वॉल्यूम की तो डियर फ्रेंड्स आपको वॉल्यूम को ऑलवेज मेजरमेंट करना है ml के अंदर। तो ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है कि जो भी परसेंटेज वाली टर्म है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इनके अंदर जब भी मास वाला टर्मिनोलॉजी किसी के साथ बिलोंग कर रहा है तो वहां पर मास को आप मेजरमेंट करोगे ग्राम में, और वॉल्यूम का जो मेजरमेंट किसमें करना है, ml में। तो यहां पर अपन सबसे पहले किसको डील कर रहे हैं, मास परसेंटेज, दैट मीन्स परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। यहां पर जो स्मॉल डब्ल्यू है डियर फ्रेंड्स ये सोल्यूट के लिए यूज होगा, और जो कैपिटल डब्ल्यू है ये एक्चुअल में किसके लिए रिप्रेजेंट होगा, सोल्यूशन के लिए, और डब्ल्यू एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर है इसके अंदर आपको मेंशन करना है सोल्यूट, और दोस्तों डिवाइड आपको किससे करना है, सोल्यूशन से। तो यहां पर एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सोल्यूट अदरवाइज वेट ऑफ सोल्यूट।
वेट ऑफ ए सोल्यूट, और सोल्यूट का वेट आपको किसमें पुट करना है, ग्राम में पुट करना है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, अदरवाइज मास ऑफ सोल्यूशन सिमिलर थिंग है, वेट ऑफ ए सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन का वेट है ये भी आपको किसमें मेजरमेंट करना है, ग्राम में, परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। तो ये आपने यहां पर इसका फॉर्मूला ड्रॉ कर दिया, एक्चुअल में क्या फॉर्मूला बन गया यहां पर, मास परसेंटेज का, अदरवाइज परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का ये फॉर्मूला बनेगा डियर फ्रेंड्स, वेट अदरवाइज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई विद 100। बस एक ही थिंग आपको माइंड में सेट करके रखना है कि जो मास और वेट इसका मेजरमेंट किया जाएगा ग्राम में, और वॉल्यूम का मेजरमेंट किया जाएगा ml के अंदर, मिलीलीटर के अंदर, और जो सबसे फर्स्ट लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट के लिए, सेकंड वाला रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को। तो यहां पर जो फर्स्ट वाला मैंने स्मॉल मेंशन किया है जो सॉल्यूट के लिए, और सेकंड वाला कैपिटल मेंशन किया है जो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पर स्मॉल w का मीनिंग हो गया वेट अदरवाइज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और सेकंड वाला जो कैपिटल w ये किसके लिए रिप्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन के लिए, तो वेट अदरवाइज मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई विद 100। तो यहां पर अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री में किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न करते हो तो उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो वो कॉन्सेप्ट आपके इजिली क्लियर हो जाता है। तो आइए एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम के अंदर क्या मेंशन कर रखा है। सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए, इफ 22 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में आपके पास सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, और साथ में जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है। तो अगर अपन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अगर मूव करेंगे तो यहां पर देखिए क्या मेंशन कर रखा है, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देन फाइंड आउट परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ द बेंजीन इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर आप इसको इजीली क्या करना, आपको अंडरस्टैंड करना है किस टाइप से, क्योंकि यहां पर आपको जो टू अमाउंट मेंशन कर रखे उसमें 22 ग्राम बेंजीन है और 100 ग्राम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। स्मॉल अमाउंट में कौन है डियर फ्रेंड्स, स्मॉल अमाउंट में बेंजीन है, तो यहां पर आपके लिए सॉल्यूट का वर्क कौन करेगा, बेंजीन। तो यहां से आपके पास एक्चुअल में क्या इक्वेशन बन जाएगी इसकी, आपको गिवन क्या क्या है, जो भी ये प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अंदर आपके पास है मास ऑफ ए सॉल्यूट, तो यहां पर आपके पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन है मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का वर्क कौन कर रहा है डियर फ्रेंड, बेंजीन, और बेंजीन कितना ग्राम मेंशन है, 22 ग्राम मेंशन है। सेकंड थिंग पर आइए, प्रेजेंट इन 100 ग्राम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना ग्राम मेंशन कर रखा है, 100 ग्राम, दैट मीन्स ये अगर सोल्यूट है तो सेकंड वाला कॉम्पोनेंट कौन सा होगा, सोलवेन। तो यहां पर सेकेंड जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है ये किसका मास है, मास ऑफ ए सोलवेन, और सोलवेंट का वर्क कौन कर रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और सोलवेंट का मास गिवन है आपको 100 ग्राम गिवन है। अब डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था व्हाट इज द सॉल्यूशन, एक्चुअल में सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, सॉल्यूशन का मीनिंग ही क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, जब सोल्यूट एंड सोलवेंट कॉम्पोनेंट कंबाइन होंगे तभी किसका फॉर्मेशन होगा, सोल्यूशन का। तो अगर मेरे को यहां से मास ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस 22 ग्राम प्लस 100 ग्राम इज इक्वल टू 122 ग्राम। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द परसेंटेज मास, अदरवाइज मास परसेंटेज, अदरवाइज परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ द बेंजीन इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूट कौन है, बेंजीन, सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 122 ग्राम। क्या फाइंड आउट करना है आपको, मास परसेंटेज, दैट मींस परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन करवाया, क्या फॉर्मूला होता है इसका, वेट अदरवाइज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई विद 100। तो अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 22 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है टोटल, 122,
डिवाइड बाय 122 मल्टीप्लाई विद 100। जब डियर फ्रेंड्स आप 22 को डिवाइड करोगे 122 से, आपको ऑप्टेन होगा 1.8 मल्टीप्लाई विद 100। दैट मींस कितना परसेंटेज आ गया डियर फ्रेंड्स, ये आ गया आपके 1.8 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, कितना परसेंटेज आ जाएगा 18%। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर है बेंजीन है, इसका मास परसेंटेज है वो कितना आएगा सॉल्यूशन में, 18% आएगा। ये हो गई न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट सोल्व हो गया। सेकंड वाली टर्मिनोलॉजी की ओर मूव करती है। सेकंड वाली टर्मिनोलॉजी है मास वॉल्यूम परसेंटेज, देखते ही पता चल जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स आपको एक्चुअल में, क्योंकि यहां पर देखिए इसका सबसे पहले मैं फॉर्मूला बना देता हूं, किस टाइप से फॉर्मूला बनेगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का क्या फॉर्मूला बनेगा। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, और वी किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जो स्मॉल होता है वो किसके लिए स्टैंड होता है, सॉल्यूट के लिए, और कैपिटल वाला किसके लिए स्टैंड होता है, सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पर आप इसका फॉर्मूला इजीली बना लोगे, क्या सबसे पहले न्यूमरेटर में किसको पुट करोगे, सॉल्यूट को, और सॉल्यूट के लिए क्या आया डब्ल्यू, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या बनेगा, मास अदरवाइज वेट सिमिलर थिंग है, मास ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले पुट करना है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि जब भी बात आएगी किसकी, मास की अदरवाइज वेट की, तो आपको मेजरमेंट किसमें करना है, ग्राम में, डिवाइड बाई, फिर कौन है कैपिटल वी, कैपिटल वी किसको किसके लिए स्टैंड होता है, वॉल्यूम के लिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें मेजरमेंट करना है, एमएल में, परसेंटेज फाइंड आउट करना, तो मल्टीप्लाई किसे कर दोगे 100 से। तो ये आपके लिए इजीली फॉर्मूला आपने बना दिया किसके लिए, मास वॉल्यूम परसेंटेज के लिए, क्या फॉर्मूला बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल मल्टीप्लाई विद द 100। और अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो किस टाइप से डिफाइन करोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्वड पर 100 एमएल ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहली वाली जो टर्मिनोलॉजी थी मास परसेंटेज, उसमें पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन यहां पर वॉल्यूम टर्म है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 100 एमएल ऑफ ए सॉल्यूशन। नहीं, यहां पर सिंपल सा मीनिंग आप ये ले सकते हो दोस्तों कि जो भी सॉल्यूट है उसके कितने ग्राम है एक्चुअल में डिसॉल्वड है, कितने अमाउंट में, 100 एमएल ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो इसी को कौन सा परसेंटेज बोला जाता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज, अदरवाइज परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। इसी को आप और क्या बोल सकते हो डियर फ्रेंड्स, आपको पता रखना है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। तो यहां पर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया किस टाइप से डिफाइन करना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्वड पर 100 एमएल ऑफ ए सोल्यूशन। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब भी सोल्व करोगे तो जो कॉन्सेप्ट है वो इजिली आपके बिल्डअप हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए एक प्रॉब्लम गिवन है आपको, 5.9 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इज डिसॉल्वड इन 45 एमएल ऑफ वाटर। नहीं, यहां पर जो 45 एमएल वाटर के अंदर 5.9 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक इसको क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ HCl, दैट मींस कौन सा परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज, दैट मींस परसेंटेज W by V इन सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इज 1.18 ग्राम पर सेमी क्यूब। और आपको इसके लिए जो HCl है इसकी डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.18 ग्राम पर सेमी क्यूब। अब इस प्रॉब्लम को किस टाइप से सोल्व करोगे इसके लिए अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हो तो आपको जो प्रॉब्लम उसमें कौन कौन से डेटा गिवन है उसको मेंशन कीजिए। 5.9 ग्राम ऑफ HCl इज डिसॉल्वड, मीनिंग ये जो HCl है ये एक्चुअली में क्या है, सोल्यूट है। तो आपको सोल्यूट का क्या गिवन है, मास। तो सबसे पहली आपको इंफॉर्मेशन गिवन है मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट का यहां पर डियर फ्रेंड्स वर्क कौन कर रहा है, सोल्यूट का वर्क कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक, दैट मींस HCl, और इसका कितना मास डिसॉल्व है, 5.9 ग्राम। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया 5.9 ग्राम। सेकंड देखिए डिसॉल्वड इन 45 एमएल ऑफ वाटर, और ये कितने एमएल वाटर के अंदर डिसॉल्व है, तो ये डियर फ्रेंड डिसॉल्व है आपके 45 एमएल वाटर में। दैट मींस ये जो आपको 45 एमएल है ये क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है।
सेकंड इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम के अंदर आपको मेंशन कर रखी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपको कितना गिवन है, 45 ml गिवन है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज W बाई वी ये आपको कैलकुलेट करना है, दैट मीन मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। और अभी आपको इसका फॉर्मूला मैंने मेंशन करवाया, क्या फॉर्मूला होता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई विद 100, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, हाइड्रोक्लोरिक, कितना मास इसका 5.9, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मेंशन कर रखा है इन ml, 45 ml, तो ये लीजिए 45 ml मल्टीप्लाई विद 100। और जब डियर फ्रेंड आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको कितना ऑप्टेन होगा, 11.8% ऑप्टेन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11.8% HCl इज डिजोल्व इन 45 ml ऑफ वॉटर। ये कौन सा परसेंटेज आपने फाइंड आउट किया, मास वॉल्यूम परसेंटेज, दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ W बाई वी। लास्ट टर्मिनोलॉजी देखिए आज के वीडियो सेशन की टर्मिनोलॉजी है, ये थर्ड टर्मिनोलॉजी है, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, परसेंटेज V बाई वी। तो यहां पर सबसे पहले अपने इसका फॉर्मूला बनाएंगे, परसेंटेज V बाई वी, स्मॉल V है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल V है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बन जाएगा डियर फ्रेंड्स का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और जो भी सॉल्यूट इसका वॉल्यूम आपको किसमें मेजरमेंट करना है, ml के अंदर, डिवाइड बाई कैपिटल V किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी आपको मेजरमेंट किसमें करना है, ml में। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे, 100 से। तो ये आपके लिए इजीली फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, वॉल्यूम परसेंटेज के लिए। ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है, परसेंटेज v बाई v का मीनिंग क्या है, कौन से परसेंटेज की बात कर रहे हो, यहां पर वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हो। तो यहां पर इसका इजीली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किस टाइप से डिफाइन करोगे, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट इन ml डिजोल्ड पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन में जो सोल्यूट है उसका कितना ml डिजोल्व है, इसी को कौन सा परसेंटेज बोलते हो, वॉल्यूम परसेंटेज, अदरवाइज परसेंटेज v बाई v बोलते हो। फॉर्मूला आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, जो स्टार्टिंग वाला जो टर्म है ये किसके लिए आता है, सोल्यूट के लिए, और सेकेंड वाला जो टर्म है वो किसके लिए आता है, सोल्यूशन के लिए। अगर मास बोल रहा है तो मास को आपको पुट करना है ग्राम में, अगर वॉल्यूम है तो ग्राम, वॉल्यूम को किसमें पुट करना है, ml में। फॉर्मूला इजीली बना दोगे, मल्टीप्लाई किसे कर दोगे, 100 से। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। 20 सेमी क्यूब ऑफ एन एल्कोहल इज डिजोल्व इन 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल इन सॉल्यूशन। आपको एल्कोहल है इसका वॉल्यूम परसेंटेज है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम गिवन है इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डेटा गिवन है, तो यहां पर आपको एक्चुअल में देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है उसका फॉर्मेशन होता है टू कंपोनेंट से, फर्स्ट वाला सॉल्यूट होता है और सेकंड वाला कौन सा होता है, सॉल्वेंट होता है। जिसका अमाउंट लेस होता है वो सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट लार्जर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, सॉल्वेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर मैं मूव करूं तो ए का आपको कितना ml गिवन है, 20, और सेकंड का कितना ml गिवन है, 80 ml गिवन है। तो यहां पर आपके लिए सॉल्यूट का वर्क कौन करेगा, एल्कोहल, और सॉल्वेंट का वर्क कौन करेगा, वाटर करेगा। तो इजीली आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जो वॉल्यूम आपको कितना गिवन है, सॉल्यूट का वर्क कौन कर रहा है, एल्कोहल, दैट मीन्स 20 ml बोल सकते हो, अदरवाइज 20 cm³, सिमिलर थिंग है। सेकंड वाला 80 cm³ ऑफ वॉटर, दैट मीन्स ये आपके लिए किसका वर्क करेगा, वॉटर, वॉटर वर्क करेगा सोलवेंट का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का वॉल्यूम कितना गिवन है आपको, 80 cm³ बोल सकते हो, अदरवाइज 80 ml बोल सकते हो। अब अगर अपन बात करें, क्योंकि आपके पास सोल्यूट भी है सोलवेंट भी है, तो जो मास ऑफ वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है इसका टोटल वॉल्यूम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो यहां पर इजीली क्या हो जाएगा, 20 + 80 दैट मीन्स 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम परसेंटेज किसका, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल ही आपके लिए किसका वर्क कर रहा है, सॉल्यूट का। तो इजीली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, वॉल्यूम परसेंटेज, दैट मीन्स परसेंटेज वी बाई वी। और अभी आपसे डिस्कस किया है वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। सॉल्यूट कौन है, यहाँ पर सॉल्यूट है अल्कोहल, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, लेसर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स 20 ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100, ये लीजिए 100 ml मल्टीप्लाई विद 100। जब आप इसको इजीली कैलकुलेट करोगे तो कितना वॉल्यूम परसेंटेज आपको ऑब्टेन होगा, 20%। तो यहाँ पर जो 20% एल्कोहल है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, डिजोल्व है। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते, नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में इससे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी अंडरस्टैंड हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।